फाइनल जीतेंगे भाई, फाइनल जीतेंगे, घंटा जीतेंगे, ऐसे होती है गेम भाई। बॉयज फाइट तो करो यार, एटलीस्ट इतना बड़ा मैच है, पूरा मुल्क जो है ना इस मैच को देख रहा है कि हाँ भाई फाइनल गेम है, फाइनल गेम है, कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा यार, फाइट तो करो एटलीस्ट, पता चले वो फाइट हो रही है यार। ठीक है किसी एक टीम ने जीतना है, वो भी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी अच्छी टीम है भाई, आप भी अच्छी टीम हो, लेकिन फाइट तो करो यार। पिछले दो मैचेस भी आप ऐसे रो रो के जीते हो, ऐसे होती है प्रैक्टिस, ऐसे आप वर्ल्ड कप खेलोगे। चलो मैच की थोड़ी बात कर लेते हो, मैच का रिव्यू ये है कि पहले पहले उन्होंने पावर प्ले में स्पेल अच्छा कराया, पहले पहले स्टैंड ने विकेट ली, हाँ विकेट लेने के बाद भाई उसने वो जैसे मुर्गी पकड़ रहा हो ऐसे बॉल छोड़ दी, और भाई ऐसी फील्डिंग करने का क्या फायदा, एक एक रन काउंट होता है, एक एक रन काउंट होता है। उसके बाद रन आउट हुआ, वो भी अच्छा हुआ, रिजवान ने स्टंप भी बड़ा कमाल का किया, और डेविड मलान, मैं आपको बता दूं रिजवान और बाबर से पहले डेविड मलान ही था जो T20 का बेस्ट प्लेयर था, नंबर वन रैंकिंग में था डेविड मलान, और वो तो वेट कर रहा था कि भाई उसको कोई मौका मिले। आज आपने उसको जो है ना 3 बारियां दे दी एक बारी के अंदर, और उसने भाई 78 स्कोर की जो है ना वो इनिंग्स खेली। और दूसरी तरफ अगर मैं इफ्तिखार की बात करूं, उसको भी 2 चांस मिले, उसने क्या किया, 19 रन बनाए 15 गेंदों पर, क्या क्या करने के आ रहे हो भाई, टुक टुक चल रही है, टेस्ट मैच है क्या, 120 बॉल पर आपने 210 रन स्कोर करना है, फाइनल जीतना है तो ऐसे जीतोगे जैसे आज खेल है। पावर प्ले में ही आपने जो है ना मैच दे दिया भाई, ये प्लेट जो है ना बहुत ज्यादा भरी हुई है, हमसे हजम नहीं हो पाएगी, आप ही रख लो, ऐसे किया आपने मैच, पूरी कौम को निराश किया है, बिल्कुल बिल्कुल बिलो, बहुत डाउन परफॉर्मेंस है। बाबर आजम हमारे बेस्ट प्लेयर, टीम के कप्तान, और पाकिस्तान की क्या क्या बाबर, ये वो भाई, दोनों कैच हाथ में छोड़ दिए, वो क्या रहा है भाई, क्या हो रहा है। और वो जो उधर क्या नाम है, एक तो नए लड़के चुस्सर से डाल दिए वसीम, वो डेविड मलान का कैच छोड़ रहे, ऐसे होती फील्डिंग, बिल्कुल जरब, बहुत बकवास मैच हुआ है, बहुत ज्यादा बकवास मैच हुआ है। 67 रन से पाकिस्तान हारा है यार, एटलीस्ट होते यार 10 रन होते, 15 रन होते, मैक्सिमम 20 होते यार, कोई फाइट नजर आनी चाहिए थी, ये कोई फाइट थी। और शान मजूद से जो है ना वो शॉट नहीं लग रही थी, जो बंदा आता टुक टुक करके चला जाता, ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, अपने अपने आप को और उनको कंपैरिजन करके देखो जरा, वो किस तरह खेलते हो और आप किस तरह खेलते हो। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है, खुश दिल शाह, इफ्तिखार अहमद और आसिफ अली को फौरन निकालो, इनकी टीम में बिल्कुल जगह नहीं बनती, ज़रा भी जगह नहीं बनती इनकी, ये इन तीनों की परफॉर्मेंस नाकेस है, बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो नहीं, बिल्कुल ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे पास पीछे जो है ना बैट्समैन बैठे हैं, सोएब मकसूद बैठे हैं, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ट्राई तो दो, इनको भी आप इतने अरसे से खिला रहे हो ना, तो उनको भी ट्राई मिलनी चाहिए, इनकी बिल्कुल भी जगह नहीं बनती, ज़रा भी जगह नहीं बनती। तो बस अब मैं क्या कहूँ कि बहरहाल मैच बिल्कुल भी फाइटिंग नहीं था, अच्छा नहीं हुआ, क्राउड को ज़रा भी पसंद नहीं आया, क्राउड क्या हमें पसंद नहीं आया भाई, हम तो टीवी पे देख रहे थे, कुछ था ही नहीं मैच में, वन साइड मैच हो गया सारा का सारा, क्या मतलब आपने सोचा क्या भाई बाबर और रिजवान चलेंगे उसके बाद ही हम लोग मतलब जीतेंगे, अदरवाइज नहीं खेलेंगे, मतलब आपका रोल किधर है, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनका रोल किधर है, क्या रोल क्या अदा कर रहे हैं, वो सिर्फ उन दो प्लेयर्स पर रिलाई कर रहे हैं, और बाबर तो कितने से चल ही नहीं रहा, एक उसने सेंचुरी बनाई है इतने मैचेस में, और आज उसने 2 कैच भी छोड़ दिए, ऐसे नहीं चल सकते, ऐसे वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते भाई हम। अपनी परफॉर्मेंस ठीक करो, अपनी फील्डिंग ठीक करो, और अपने बैट्समैन की जो चॉइस है, अपनी जो टीम प्लेइंग 11 है उसकी सिलेक्शन सही करो, ऐसे वरना ऐसे जो है वर्ल्ड कप पहले ही भाई दे दो उनको, भाई हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आ रहे, हमसे नहीं हो सकता, हम घर बैठ रहे हैं भाई, आपका वर्ल्ड कप आप ले लो, ऐसे कर लो भाई, वरना ऐसे जो है ना खाम फद्दील ना चलो आप हमारे अपने, ठीक है, तो थोड़ा सा पेन लो यार, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो, तुम तो लोग जीते हो, दिल में बसते हो हमारे, लेकिन जो लटरे बटरे आए हुए हैं ना ये नए नए, इनको छुट्टी करो भाई, ज़रा इनको डोमेस्टिक में इनकी ज़रा अच्छी परफॉर्मेंस होने दो, इनको ज़रा टाइम लगवाने दो वहाँ पर, तब इनको एहसास होगा कि हाँ भाई इंटरनेशनल में परफॉर्म करना होता है, हमारी कौम का सवाल होता है, हमारी रेपुटेशन का सवाल होता है भाई, इज्जत का सवाल होता है, ठीक है, तो इस चीज़ों का
ख्याल तब आएगा जब ये डोमेस्टिक में इनको सही रगड़ा मिलेगा, जब डोमेस्टिक में ये सही परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद ये फिर सीखेंगे। पीएसएल में क्या होता है, सारे लोकल प्लेयर्स होते हैं, लोकल प्लेयर में ये छक्के छुक्के मार के आ जाते हैं। अभी अभी भी बहुत टाइम है, इनको प्रैक्टिस की जरूरत है, डोमेस्टिक लेवल प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जब तक इनकी प्रैक्टिस सही तरीके से मुकम्मल नहीं होगी, जब इनके जो है निचोड़ नहीं निकलेगा, तब तक ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से। और इन तीनों को तो बिल्कुल निकालें, इफ्तिखार, खुशदिल शाह और आसिफ अली, इनकी बिल्कुल जगह नहीं बनती। पीछे प्लेयर्स हमारे साथ बहुत सारे बैठे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर उनको ट्राई दी जाए तो, ठीक है। तो एंड पे इंग्लैंड टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, इंग्लैंड टीम पाकिस्तान में आई है 17 साल के बाद, और पहले जो 6 मैचेस हैं अच्छे देखने को मिले हैं, फाइट भी हुई है, लेकिन आखिरी मैच बिल्कुल उसके बरक्स था। तो ओवरऑल अच्छा रहा सही। तो बस इतना बताना था। अल्लाह हाफिज़।